नमस्कार, ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति अग्रवाल। रायपुर माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा 7 मार्च से शुरू हो गई है। पहला पेपर पर्यावरण विषय का रहा, जो काफी सरल था। सरल पेपर देखकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के बाद छात्रों ने अपने अनुभव बताए। रायपुर माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा 7 मार्च से शुरू हो गई है। सुबह 9:15 से दोपहर 12:15 बजे तक पर्यावरण विषय की परीक्षा संपन्न हुआ। जिले में 143 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें 2,74,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। जिला शिक्षा विभाग एवं बोर्ड ने 10 उड़न दस्ता का गठन किया, जिनके माध्यम से बच्चों पर नकल रोकने कड़ी नजर रखी गई है। पिछले साल की तुलना इस बार पर्यावरण पेपर काफी सरल रहा। आइए हम रायपुर के उन बच्चों से जानते हैं कैसे तैयारी की थी और कैसे पेपर आया था। आइए हम यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस पेपर को बनाए हैं और कैसा उनका सवाल रहा। कुछ हमारे पास बच्चे हैं और उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रोशन शाहू। कैसा बना पेपर? अच्छा बना, सरल आया था पेपर। बढ़िया है। आगे तैयारी के लिए बस मेहनत चल रहा है, रिविजन करे जा रहे हैं। कैसा रहा पेपर इस बार? इस बार ये ठीक थी पेपर। ठीक था। कितना अच्छा बनाया हुआ आप? हमारे हिसाब से तो अच्छा ही बना। अच्छा ही बना है। इधर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। मैं ब्लू प्रिंट के हिसाब से तैयारी की थी और वैसा ही आया है एग्जाम। मैं सोच रही हूँ आगे की एग्जाम की तैयारियाँ भी ब्लू प्रिंट के हिसाब से करूँगी। पेपर अच्छा बना? हाँ, पूरा पेपर इस बार सरल आया था। आज का पेपर तो बहुत अच्छा बना। आगे तैयारी के लिए कैसे कर रहे हो आप? आगे के लिए और मेहनत कर रहा हूँ बस। हाँ, इस बार का सरल है, पूरा अच्छा बना इस बार का। और आगे तैयारी के लिए कैसे? आगे तैयारी के लिए ही पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। मजा आ रहा है इस बार। Hi, my name is Subhan Singh and you are watching me on Glips.in. Hi, namaste. This is Neha Vagga and you are watching Glips News. Yeah, hi, मैं हूँ मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं Glips चैनल मेरे साथ। So keep watching. Love you guys. Hi, I'm Alok Narula. और मैं हूँ अंशु नरोला और आप देख रहे हैं Glips News. For more information, log on to www.glips.in.